हेलो फ्रेंड, टेक विथ मनीष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार चंद्रा और आज का टॉपिक है CFL बल्ब का PCB सर्किट। मैं आपको इस वीडियो में CFL का PCB सर्किट के बारे में बताऊंगा और ये कैसे काम करता है उसको भी बताऊंगा। मेरे पास खराब वाला दो PCB सर्किट है CFL का और प्रॉपर दोनों सर्किट सेम है, सेम डिजाइन है, आप देख रहे होंगे। और इस वीडियो में आपको कंपोनेंट वैल्यू के साथ साथ PCB को भी आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक PCB से समझाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां से न्यूट्रल और लाइव, इसको हम लोग फेस बोलते हैं, फेस न्यूट्रल देते हैं 230 वोल्ट AC सप्लाई। उसके बाद यहाँ पास हमारा चार डायोड लगा हुआ है, चार डायोड जो कि यह रेक्टिफायर बनाता है। चार डायोड मिलकर एक रेक्टिफायर बनाते हैं जो कि यह AC को DC में कन्वर्ट करता है। आप देख रहे हैं, बस चार डायोड है और यह डायोड IN4000 डायोड है, IN4007 डायोड है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद पैरेलल सीरीज में एक PF कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका वैल्यू आप देख सकते हैं D104K 310 वोल्ट। 104 के मतलब 104 इसका वैल्यू है, के टॉलरेंस है, 10% का टॉलरेंस है इस PF कैपेसिटर पे। और उसके बाद और दो डायोड लगे हुए हैं बीच में, आप देख सकते हैं। उसके बाद यह एक ड्रम इंडक्टर है जो कॉइल भी बोल सकते हैं, ड्रम इंडक्टर कॉइल की तरह काम करता है। और साइड में एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगा है, यह हमारा फ्यूज की तरह काम करता है, फ्यूजिबल रेजिस्टेंस। यह हमारा फ्यूजिबल रेजिस्टेंस 52 ओम का है और हाफ वाट में है, 52 ओम हाफ वाट का एक रेजिस्टेंस है जो फ्यूज की तरह काम करता है। और एक 6 पिन का और कॉइल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको कमेंट कर बताना इस पर क्या आप लोग क्या बोलते हैं। और पांच पॉलीस्टर कैपेसिटर लगा हुआ है जो आप देख सकते हैं, एक PF की तरह है, 1 2 3 4 5 फाइव कैपेसिटर और लगा हुआ है PF कैपेसिटर। और डायोड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, चार पांच डायोड लगे हुए हैं। और आउटपुट साइड में एक SMPS ट्रांसफार्मर कॉइल लगा हुआ है जिसका 3 पिन है, आप देख सकते हैं। एक पिन, दो पिन, तीन पिन। और यह हमारा आउटपुट साइड है जिसका मेंशन है P1, P2, P3, P4। जैसे कि CFL बल्ब ट्यूबलाइट के तरह काम करता है, उसमें भी ट्यूबलाइट में भी चार आउटपुट होता है, दो वायर एक साइड में, दो वायर दूसरे साइड में। जैसे कि आजकल LED बल्ब, LED ट्यूबलाइट में दो वायर होते हैं प्लस माइनस का, उसी तरह ट्यूबलाइट में चार वायर होते हैं, वन साइड में दो वायर और दूसरे साइड में
दो वायर। इसी की तरह इसमें भी सेफेल में होता है, दो दो चार वायर आउटपुट में होता है। आप इसके बैक साइड में ओनली आपको SMD पैकेज में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। यह हमारा SMD रेजिस्टेंस का वैल्यू है और SMD पैकेज में कैपेसिटर भी लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा है, आप देख सकते हैं। और बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। जिसका वैल्यू आप देख सकते हैं। और इसमें टोटल दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जिसका वैल्यू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं जिसका वैल्यू है D4203D, जिसका वैल्यू है D4203D। जिसका फर्स्ट पिन बेस का होता है, फिर कलेक्टर का होता है, लास्ट पिन इमीटर का होता है। चारों ट्रांजिस्टर का सेम वैल्यू है। मेरे पास दो PCB है तो चारों में सेम ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और CFL बल्ब अलग अलग वाटेज में आते हैं, जैसे कि 10 वाट, 20 वाट, 30 वाट, 40 वाट, 50 वाट, 60 वाट और अलग अलग कंपनी का भी आते हैं। इसी प्रकार ये CFL का सर्किट होता है, PCB होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी चले। धन्यवाद।